2022 में 31,000 रेप केसेस फाइल हुए इंडिया के अंदर, यानी ऑन एन एवरेज 90 रेप केसेस अ डे। मोस्ट शॉकिंग रेवलेशंस कमिंग टू द फोर इन द नाडिया रेप एंड मर्डर केस इन बंगाल। लड़कियां लड़कों को देख के स्माइल करती है तो अगलों को ऐसे लगता है कि हमारी से आकर्षित हो रही है, इस वजह से रेप होता है। 16 ईयर ओल्ड गर्ल वाज एलिजिबली रेप्ड बाय 400 पीपल। लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी, तभी तो रेप हो यार। इंडिया में 70% वुमेन एवरी ईयर अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती है। एक लड़की जब सड़क पर अकेले चलती है तो उसके पीछे ना जाने कितने हवसी लोगों की नजरें साथ साथ चलती हैं। दुनिया चांद पे पहुंच गई मगर आज भी ना जाने कितने घटिया लोगों का वो डायलॉग नहीं बदल रहा है, नो सील नो डील। कभी औरत को हटाकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचा है? इंडिया जैसी कंट्री जहां पर अ डे विदाउट वुमेन इज लाइक अ डे विदाउट लव, केयर, फूड एंड एवरीथिंग। बट सैडली इसी देश में आज भी लोग लड़कियों को लड़कों के मुकाबले कमजोर ही समझते हैं। बचपन से छोटे लड़कों को ज्ञान दिया जाता है, रो रहा है, लड़की है क्या, कैसे चल रहा है, लड़की है क्या, लड़के रोते नहीं है, लड़के नहीं रोते यार। मतलब सिंपल सी बात है, मेंटेलिटी में ही वीकनेस को वुमेन के साथ जोड़ दो। कहने को तो लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं बट फिर भी लोग पता लगाने में लगे हैं कि लड़का पैदा हो गया या लड़की। ऐसा देश जहां पर 48% पॉपुलेशन वुमेन की है, वहीं पर अगर कोई सिंगल मदर है तो लोग उसे गलत नजर से देखते हैं। क्वेश्चन तो ये है कि मैरिटल स्टेटस से एक वुमेन की लाइफ पर इतना फर्क क्यों? इस देश में गरीब होना, गरीब होके एक अकेली औरत होना बहुत आसान बात नहीं है। शॉकिंग बात तो यह है कि 90% रेप केसेस रिलेटिव्स, नेबर, कलीग्स इनके थ्रू होते हैं। एंशिएंट टाइम से लेकर के आज तक वुमेन ने बहुत प्रोमिनेंट रोल हर फील्ड में अदा किया बट द डिस्क्रिमिनेशन इज स्टिल एग्जिस्ट। मतलब तुम लोगों की सोच को समझो, अगर एक मेल एम्प्लॉय को प्रमोशन मिले तो बड़ा मेहनती, और अगर फीमेल एम्प्लॉय को प्रमोशन मिले तो पक्का बॉस के बहुत करीब। तो आज इस वीडियो में बहुत डिटेल्ड में बात करेंगे कि क्यों इंडिया में वुमेन के साथ आज भी इतना डिस्क्रिमिनेशन है और आखिर इस सब का सॉल्यूशन क्या है। फ्रीडम कांट बी अचीव्ड अनलेस वुमेन हैव बीन एंटीसिपेटेड फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ ऑपरेशंस। ये बात कही थी मिस्टर नेल्सन मंडेला ने, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। अब ये कोट अपने ही आप में बताता है कि किसी भी सोसाइटी को सक्सेसफुल बनाने में वुमेन नीड लिबर्टी, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इंडिपेंडेंस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट सैड होने वाली बात ये है, जो स्लोगन है इक्वल राइट्स, ये आज भी सिर्फ एक स्लोगन ही है। क्यों? क्योंकि आज भी औरतों को आदमियों के बराबर कोई नहीं समझता है। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर आज तक, चाहे फ्रीडम फाइटर हो या फिर कोई हाउसवाइफ हो, उन सब में वुमेन का एक प्रोमिनेंट रोल रहा है आदमियों की जिंदगी में। मगर आज सोशल मीडिया के दौर में दुख कहां पर होता है, जब ये देखने को मिलता है कि अपने ही देश के लोग कैसे एक वुमेन को ही नीचा दिखाने में लगे। जैसे अभी यूपी की रहने वाली प्राची निगम ने यूपी बोर्ड में 55,00,000 बच्चों के साथ कॉम्पीट करते हुए टॉप किया, मगर सैड पार्ट क्या, पूरे इंटरनेट पर उनके लुक्स के लिए उनको इतना ज्यादा ट्रोल किया गया, जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब तुम खुद सुन लो उसने बीबीसी से क्या कहा इंटरव्यू में। शायद अगर टॉप मतलब कि नंबर एक दो कम हो जाते तो टॉप पर ही ना आती, तो शायद इतना फेमस भी ना होती तो ज्यादा ठीक रहता। ज्यादा तो मुझे नहीं फर्क पड़ा क्योंकि हम पहले से इतने दिनों से लोगों को फेस करते आ रहे हैं। बहरहाल मोर पावर टू दिस गर्ल बिकॉज शी हैज द करेज, बट इतना करेज हर लड़की के अंदर नहीं होता है। कितनी शर्मनाक हरकत खुले आम होती है। मेरे को तो ये नहीं समझ में आता है कि आपको क्या अधिकार है किसी के भी फिजिकल अपीयरेंस पर बात करने का। भाई आप कैसे किसी को इतना ज्यादा ट्रोल कर सकते हो, आपको किसने इतना ज्यादा राइट दे दिया? यही मेरा क्वेश्चन है गवर्नमेंट से भी कि क्यों कोई स्ट्रांग एक्शन नहीं होता है उन लोगों पर, उन मीम पेजेस के खिलाफ जो कि ऐसे किसी की भी लाइफ के साथ खेलने लगते हैं। क्योंकि ये लाइफ से खेलना हुआ, ये सिर्फ एक मीम बनाना नहीं हुआ। कैसे लोग उसके फिजिकल अपीयरेंस पे कॉन्टिन्यूसली कमेंट कर करके किसी के कॉन्फिडेंस को लो करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो इंसान 55,00,000 लोगों से कॉम्पीट करके आगे आया है, यानी कि उसके अंदर इतना ज्यादा टैलेंट है। अब देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ओडू के बारे में, जिन्होंने आज इस वीडियो को बनाने में हमारी हेल्प करी है। ओडू एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो आपके सारे बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को कवर करता है, जैसे कि अकाउंटिंग, सेल्स, CRM। ओडू आपको सब कुछ करके देगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एक वेबसाइट बनानी है तो ओडू आपको 4 सिंपल क्विक स्टेप में
तुरंत वेबसाइट बना करके दे देगा। जस्ट विजिट odoo.com एंड सेलेक्ट वेबसाइट बिल्डर एंड फॉलो दीज फोर स्टेप्स। सबसे पहले तो टाइप ऑफ वेबसाइट, कैटेगरी एंड ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट कर लो, देन कलर पैलेट से कलर चूज कर लो। नाउ थर्ड स्टेप इज सेलेक्ट द पेजेस एंड फीचर्स जो तुम वेबसाइट में ऐड करना चाहते हो। लास्ट स्टेप है अपनी वेबसाइट के लिए कोई एक थीम सेलेक्ट कर लो। तीन में से कोई एक थीम सेलेक्ट करो और बन गई वेबसाइट। फोर स्टेप में इतना सिंपल। अब देखो सब कुछ कस्टमाइजेबल है, तुम अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हो। अब तुम सोचो कि वेबसाइट तो बन गई, बट डोमेन एंड होस्ट कैसे करें? सो द बेस्ट पार्ट इज यू गेट 1 year फ्री कस्टम डोमेन नेम एंड लाइफ टाइम फ्री होस्टिंग एंड सपोर्ट, नो हिडन फीस। आई होप ये आप सबके लिए यूजफुल होगा। घर में बिजनेस है या पर्सनल ब्रांड की वेबसाइट बनाना है, अपना ब्लॉग बनाना है, जाओ 4 step में बनाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंट में ये वीडियो देखने को मिली जिसमें ये लोग सड़क पर आकर के बाकायदा प्रोटेस्ट कर रहे थे और बोल रहे थे नो सील नो डील। बेसिकली इनका बैनर क्लेम कर रहा था कि वुमेन की वर्जिनिटी ही सिंगल क्राइटेरिया है शादी के लिए। डॉक्टर के बारे में बोलते हैं, डॉक्टर कहता है सील वील कुछ नहीं होती, डॉक्टर का काम सील तोड़ने का। गाँव के किसी भी बूढ़े से मिल लेना और कितने बूढ़ों से मिल लेना जिनके ब्याह कम से कम 30 साल हो गए, वो तुमने बताओगे सील हुए कि और ये बाद में कॉन्टेक्स्ट क्या देते हैं कि वर्जिन वुमेन ही एक आदमी के लाइनेज के लिए परफेक्ट है क्योंकि वो प्योर होती है। नाउ द सैड पार्ट इज ये सब जो बैनर लिए खड़े ये सब पढ़े लिखे गधे हैं और बिल्कुल ही वाहियात बात कर रहे हैं सोशल मीडिया एंड रियल में जा करके सड़क पर बैनर निकाल रहे हैं। बिल्कुल ही वाहियात कॉन्सेप्ट है नो सील नो डील। और कहीं भी लोग कमेंट में मीम वीडियोस में ये टाइप किया करते हैं, आपने डेफिनेटली इसको सुना होगा और देखा होगा। साइंटिफिकली जाकर के पढ़ाई कर लो, हाइमन एक बहुत ही रेमनेंट इशू होता है वेजाइनल ओपनिंग के पर जो कि बहुत ही नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज से टूट जाता है और बहुत कम एज में भी हो जाता है। आजकल तो इतनी सारी फिजिकल एक्टिविटीज स्कूल एंड कॉलेजेस में ही शुरू हो जाती हैं, तो हाउ कैन यू जज? एंड उसके बेसिस पे भी आज भी लोग कमेंट सेक्शन में रील्स पर जा करके लड़कियों के ये कमेंट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डीपली रूटेड है उनके बिलीफ सिस्टम के अंदर। इंडिया के रूरल एरिया में आज भी लोग ये माइंडसेट रखते हैं और सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया की नेबर कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जगहों पर ये माइंडसेट बहुत ज़्यादा रूल करता है। अभी मैंने ऑनलाइन पढ़ा कि एक लेडी की शादी हुई एंड शादी वाले दिन ही उनके हस्बैंड ने उनको डिवोर्स दे दिया। नाउ सेम डे उसको डिवोर्स दे दिया सिर्फ ये कहकर कि तुम प्योर नहीं हो। हाउ कैन यू जज ऑन दिस बेसिस? भाई ये इतना बड़ा डिसबिलीफ है आदमी के अंदर जो डीपली रूटेड है। तो लोग वर्जिनिटी का टेस्ट करते हैं हाइमेन के बेसिस पर जो कि इतना पतला टिश्यू होता है। हाउ कैन यू जज एनी गर्ल ऑन द बेसिस ऑफ हाइमेन? बहुत ही वाहियात डायलॉग है ये नो सील नो डील। बहुत ही गंदी सोच को ये दर्शाता है। क्यों? क्योंकि तुम किसी के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हो बिना किसी इंसान को जाने, और कैसे तुम किसी की फिजिकल बॉडी पे क्वेश्चन कर सकते हो? क्योंकि हर आदमी की बॉडी डिफरेंट है, हर आदमी इतनी सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। कोई स्कूल में साइकिलिंग कर रहा है तो कोई जंप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है और कहीं भी वो ब्रेक हो सकता है। तो तुम कैसे किसी के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स पे सवाल उठा सकते हो भाई? अब ये जो एक इशू मैंने बताया नो सील नो डील वाला जो मीम पेजेस के थ्रू चल रहा है, ये तो वो लड़कियां सुन रही हैं जो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी हैं। अब लड़कियों की वो वाली कहानी सुनो जो वो पैदा ही नहीं हुई उससे पहले शुरू हो गई। सिंपल वर्ड में बताऊं, फीमेल फिटिसाइड मतलब अबॉर्शन या कोक में ही लड़की को मार देना। 2011 के अगर सर्वे को देखो तो इंडिया में चाइल्ड जेंडर रेशियो 918 गर्ल्स पर 1000 बॉयज है, जो कि ये दर्शाता है कि आज भी जेंडर बेसिस अबॉर्शन हो रहे हैं। जबकि हमारे पास PNDT इनैक्टमेंट है जो कि इसीलिए बनाया गया है ताकि ये जेंडर स्क्रीनिंग जो होती है इस पे बैन लगाया जा सके और फीमेल फिटिसाइड को रोक करके जो इसको कर रहे हैं उनको सजा दी जा सके। मगर प्रॉब्लम क्या है, ये केसेस फाइल ही नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि जो औरतें हैं वो खुद इस बात को छुपा ले रही हैं, या तो फैमिली के दबाव में या तो अपने हस्बैंड के दबाव में, और घर से कहीं बेइज्जती ना होने लगे तो वो भी चाहती हैं चलो लड़का ही पैदा हो जाए तो इस बात को छुपा लेती हैं। और ये जो लड़कियों को मार देने वाली बात है ये बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है। इंडिया में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये वो जगह हैं जहां पर भर भर करके लड़कियों को कोक में ही मार दिया गया। अब और डिस्टर्बिंग फैक्ट बताऊं, कुछ केसेस में जहां पर पेरेंट नहीं जान पाए, स्क्रीनिंग नहीं करा पाए, तो जब पता चला कि लड़की पैदा हो गई तो उसको जाकर के डस्टबिन में डाला है या फिर किसी ऐसी जगह छोड़ के चले आए
कि वहां से पीछा छुड़ा ले और खुद भाग जाए। This baby girl was found yesterday in the afternoon. She was wrapped in a gunny bag and she was found in the dustbin. अब कितने केसेस ऐसे फाइल हो चुके हैं जिसमें फीमेल बेबी डस्टबिन में मिली या फिर आइसोलेटेड प्लेस में मिली। सबसे सैड पार्ट पता है क्या है? मोस्ट केसेस में ये छोटी बच्चियां मर जाती हैं डस्टबिन में या फिर आइसोलेटेड प्लेस में, क्योंकि उन तक हेल्प ही नहीं पहुंच पाती है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट को देखें तो इंडिया में 31 मिलियन ऑर्फन चिल्ड्रन रहते हैं। अब रिपोर्ट में पता चला कि ये 31 मिलियन ऑर्फन बच्चों में सबसे ज्यादा तो लड़कियां हैं। नाउ सेक्शन 3173 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 सेज दैट द चाइल्ड अबंडनमेंट इज द पनिशेबल ऑफेंस। अब वही इसमें भी है, इसमें भी केसेस फाइल नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे सेक्शन के बारे में नॉलेज ही नहीं है। पता है लड़कियां पैदा जैसे हो रही हैं वैसे ही सबसे पहले क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हैं? इनइक्वल ट्रीटमेंट। इंडियन पेरेंट्स के अंदर ये डीपली रूटेड है कि लड़की के लिए पैसा जमा करना है, उसकी शादी करना है, और लड़के को पढ़ाओ लिखाओ ताकि ये हमारा वंशज आगे चलाए। बेसिकली लड़के को एसेट की तरह देखते हैं और लड़की को एक लायबिलिटी समझते हैं, सोचते हैं इसको तो जाना है बाहर और ये घर चलाएगा, यही घर का मालिक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 14 ये कहता है कि एवरी सिटीजन को इक्वल राइट्स अलाउ होने चाहिए और इक्वल चीज़ें मिलनी चाहिए, लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसे देखो इक्वालिटी है और ये इनइक्वल ट्रीटमेंट लड़कियों को मिलता है। और उसके साथ साथ में अलग अलग प्रॉब्लम तो है ही है लड़कियों के साथ में, कैसे पहनना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, ये सब बचपन से ही चल रहा है। जबकि इंडिपेंडेंट कंट्री में हम लोग रहते हैं लेकिन उनके लिए सब कुछ स्पेशल रूल्स रेडी रहते हैं। इंडिया के रूरल एरियाज़ में तो कितने ऐसी जगह हैं जहाँ पर द गर्ल्स डू नॉट हैव द फ्रीडम टू चूज़ देयर करियर। वो करियर भी खुद से नहीं चूज कर सकती हैं, उनके अम्मा अब्बा उनको बताएंगे तुम्हें क्या करना है। बहुत कम पेरेंट्स ऐसे हैं जो लड़कियों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाते हैं, और जो बच्चियां नहीं कर पाती हैं उनके अंदर वही इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बिल्ड हो जाता है जिससे वो बहुत ही हीन अपने आप को समझने लगती हैं, इनसिक्योरिटीज़ में आ जाती हैं, कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है उनका, क्योंकि वो एक्चुअल में खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती हैं। अब वुमेन के साथ एक और प्रॉब्लम आ जाती है मेल न्यूट्रिशन की। मोस्ट ऑफ अस डोंट नो कि मेल न्यूट्रिशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। समझाने के लिए बता दूं, मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है संपूर्ण पोषण न मिलना, ठीक है। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट को देखें तो इंडिया 100वें नंबर पे रैंक कर रहा है 112 कंट्रीज। अब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और पेरेंट्स के लो सोशल स्टेटस के वजह से बहुत सारी वुमेन मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम फेस करती हैं जो कि उनको फ्यूचर में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। सबसे सैड बात पता है क्या है? मेनस्ट्रीम मीडिया ये सब बड़े बड़े मुद्दों को मीडिया में हाईलाइट ही नहीं करता है। यहाँ क्या वायरल होता है मेनस्ट्रीम में? भाई सीमा और सचिन के बीच में क्या चल रहा है उस पर बाकायदा डिबेट हो जाएगी, डिबेट भी हो जाएगा भाई, कंप्लीटली रेडिकुलस, लाइक क्या बोले इस पर। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी लगाई जिसमें मैं पनीर बना रहा हूँ, और उस स्टोरी पर मुझे इमेंस रिस्पॉन्स मिला। मतलब जैसे मैंने क्या ही अचीव कर लिया है, कुछ तो बहुत यूनिक कर दिया जाकर के लग रहा है। मतलब दोनों ही जेंडर की तरफ से मुझे अलग ही लेवल का एप्रिसिएशन मिला। मतलब जिस सोसाइटी में अभी हम रहते हैं वहां पर अगर मेल कुछ किचन रिलेटेड एक्टिविटी कर लें तो उन्हें इमेंसली अप्रिशिएट किया जाता है। बट व्हाट हैपेंड इज, वही काम जब लड़कियां रोज डे टू डे लाइफ में करती हैं तो उन्हें कोई लेवल ऑफ एप्रिशिएशन मिलता ही नहीं है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट अप्रिशिएटिंग वुमेन अराउंड यू। मतलब मैंने न जाने कितने ऐसे लोगों को देखा है जो चाहे जैसा खाना बने बट खाने पे बैठते ही चार बात सुनाएंगे अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी वाइफ को, बिना सुनाए उनके निवाला हलक से नहीं उतरता है। मतलब नाशुक्री बोलते हैं, वो शुक्र नहीं अदा करते हैं कि इस लेडी ने इतनी देर किचन में खड़े होकर के मेरे लिए खाना बनाया। हाँ ठीक है, नमक कम हो गया, जो भी हो गया, डजंट मैटर, उतना नहीं मैटर करता। एक दिन जाओ, तुम जाओ बनाओ, ठीक है। मतलब मैं बनाता हूँ भाई, जब मैं मतलब अकेले आया, मैं मुंबई में रहना शुरू किया, मेरे को वैल्यू पता चली ना कि भाई जब मैं बना रहा हूँ, एक नमक डालने के लिए भी इतना सोचना पड़ता है, ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, तब पता चलता है कि यार मतलब मेरी बहन मेरे लिए रोज वो चीज़ बना रही थी तो उसका कितना ज़्यादा वैल्यू था, तब तो रिस्पेक्ट बढ़ती है। मतलब अब तुमको एक और बात समझाता हूँ कि लड़के जब काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ऑफिस जाते हैं, उन्हें सैलरी मिलती है, बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो उन्हें एक अलग लेवल का एप्रिसिएशन मिलता है सोसाइटी में, और वो खुद को रिवॉर्ड कर पाते हैं और अपनी मेहनत को जस्टिफाई करते हैं कि हाँ भाई मैंने मेहनत करी है तो पैसा कमाया है। वही जगह लड़कियां भी काम करती हैं, जैसे घर का ही काम कर रही हैं, अगर मान लो घर पे रह रही हैं तो घर का काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं या फिर जो भी कर रही हैं, बट उनकी वो वाली मेहनत को जस्टिफाई नहीं कर पाती हैं। तब एक टाइम पे वो सोचती हैं यार मैं क्या कर रही हूं। अब यहां पर क्या है कि उनको जो लेवल ऑफ एप्रिसिएशन मिलना था
वो उनके आसपास वाले लोग उनको वो दे ही नहीं रहे, क्यों? क्योंकि लोग कह रहे हैं अरे ये तो भाई नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, तो लोगों के लिए वो टास्क नॉर्मल हो गए। जैसे लापता लेडीज में वो वाला सीन देखो ना, कि वो लेडीज लोग बैठी रहती हैं, सब बात करती हैं खाने की, तो लेडी कहती है अरे अपनी पसंद का खाना, तो कहती है अरे अपनी पसंद का खाना कहाँ। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि क्या उनकी पसंद नहीं होती? उनकी पसंद होती है, बट उनकी पसंद मर चुकी है क्योंकि आपने उनकी पसंद पूछी नहीं। लोगों की मेंटेलिटी इतनी वीक है कि लोगों ने काम को जेंडर स्पेसिफिक बना दिया, कि मतलब अगर किचन है तो वो लड़की के लिए है, ऑफिस है तो वो लड़के के लिए है, सब चीज ऐसे बना दिया। तो जेंडर स्पेसिफिक वजह से इतना ज्यादा एप्रिसिएशन मिल जाता है कि भैया माही भाई कैसे चले गए पनीर बनाने, मतलब ये इम्पॉसिबल है, ये ऐसा हो जाएगा। बट नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है, वो मेरी डेली लाइफ है भाई, मैं ऐसे रहता हूँ तो मेरे को बनाना पड़ता है, मेरे को घर चलना है ना तो चलेगा। मतलब अभी तो मेरी सिस्टर मेरे साथ में रहती है, लेकिन मतलब यूजुअली कभी कभी मेरा मन करता है तो हम भी बना लेते हैं, इसमें बहुत नॉर्मल है ये चीज़। बट नॉर्मल ही तो नहीं समझ रहे हैं ना लोग, प्रॉब्लम ये। अब कोई लड़की कर रही तो उसको भी जाके अप्रिशिएट करो, उसको भी वैसे ही अप्रिशिएट करो, बट नहीं उसको नहीं करेंगे। धीरे धीरे आज के टाइम में चेंज आना शुरू हो रहा है। हरियाणा में वो वाली प्रॉब्लम बच्चियों को मारने वाली बहुत हद तक कम हो गई है, ठीक है, अभी बहुत कम हो गया है। उसके साथ साथ में मतलब अलग अलग चीज़ें अलग अलग सिटीज़ से सुनने को मिलती हैं, जो कि लगता है कि लोग एक्चुअली में वुमेन को एम्पावर करने के ऊपर काम करना शुरू कर चुके हैं। सेकेंड पॉइंट मेरा ये है कि लड़कियों को जज करना बंद करो। मतलब लड़कियां अगर किसी नॉर्मल लड़के के साथ जा रही हैं, अपने मतलब किसी दोस्त के साथ, अपने भाई के साथ अगर फोटो या रील डाल दे, तो लड़कियों को स्पेसिफाई करना पड़ता है वहाँ पर जा करके कि माँ ब्रदर या फिर हैशटैग सिस्टर ब्रदर, ये सब करना पड़ता है, वरना लोग कमेंट में कुछ भी बकने लगते हैं। ये सब मैंने देखा, ये मैं कम्प्लीटली अपने ऑब्जर्वेशन से बोल रहा हूँ, आई हैव ऑब्जर्व दैट। तो भाई ये सब चीज़ें करना बंद करो। क्यों किसी की लाइफ पे ऐसे कमेंट करना शुरू कर देते हो? क्यों किसी को जज करने लगते हो? रिस्पेक्ट करना शुरू करो ना भाई, सबके टाइम की, सबके वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करो। किसी के वैल्यू में ही आता है सबको लेकर के चलना, तो तुम क्यों उसको जज कर रहे हो भाई? अगर कोई लड़की अगर फोटोज़ डाल रही है ऑनलाइन तो तुरंत उसको जज कर लेते हो? यहीं पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि भाई कोई लड़की अगर ऑनलाइन फोटो डाल रही है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि शी इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन। दिस इज़ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। एक और पॉइंट इसी में ऐड करता हूँ कि ये जो लड़कियों को क्रिटिसाइज करने का एक ट्रेंड बना है मीम पे, जैसे भाई ये मीम वालों के ऊपर तो एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। मतलब ये लोग कितने लोगों की लाइफ बर्बाद कर चुके हैं ना, आपको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, इस पर तो अलग से वीडियो बनेगी। लेकिन जैसे ये मीम वोमेन वोमेन कप चाय वोमेन क्या है भाई, तुम अपने मम्मी से पैदा हुए हो, ठीक है, और तुम ऐसा मीम बना रहे हो, वो भी एक लेडी है, तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बहन है, तुम लड़कियों का ही मजाक उड़ा रहे हो हर वक्त, तुम्हारे पास कोई टाइम ही नहीं, मतलब तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है, तुम मजाक उड़ा रहे हो लड़कियों का, क्रिटिसाइज कर रहे हो। अगर कोई लड़की कुछ ट्राई कर रही है ऑनलाइन कुछ करने का, अगर थोड़ा बहुत हाथ पैर मार रही है कुछ करने की कोशिश कर, उसको भी जाके डाउन करने लगते हो। अगर कोई लड़की 55 लाख लोगों से कॉम्पीट करके टॉप कर रही है तो तुम उसको अप्रिशिएट ना करके उसके लुक्स पे सवाल उठा रहे हो, मतलब कितनी घटिया हरकत है, शर्मनाक हरकत इसको बोलते हैं। कभी तुमने हल्का सा भी सोचा कि तुम्हारे एक घटिया कॉमेंट से, जैसे तुम लिख करके भाग जाते हो, उस एक कमेंट से किसी एक लड़की की मेंटल स्टेट पे क्या असर पड़ सकता है, उसके फैमिली सर्कल में, उसके फ्रेंड सर्कल में उसकी क्या इमेज बन सकती है? तुम लोग ये सब सोचते ही नहीं हो यार, तुम लोग कुछ भी कमेंट करना शुरू कर देते हो। अगर कोई लड़की, मतलब तुम कैसे उसके फिजिकल अपीयरेंस पे कमेंट कर सकते हो यार, हमको समझ में नहीं आता, तुम होते कौन हो किसी के फिजिकल अपीयरेंस पे कमेंट करने वाले? और इन सब चीज़ों से हट करके लड़कियों की एक अलग ही इमेज बनी है कि बहुत इमोशनल होती हैं, बहुत ही वीक होती हैं, कुछ समझदारी वाली बात नहीं करेंगी, ये सब क्या है भाई? अरे जाओ घर पे और अपने मम्मी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, ठीक है, उनके साथ बैठो, उनका थोड़ा हाथ बटाओ, अगर कुछ काम कर रही है उसमें हाथ बटाओ, और तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी मम्मी जिन्होंने तुम्हें पैदा करा वो कितनी स्ट्रांग वुमेन है, ठीक है। एवरी सिंगल मदर इज इमेंसली स्ट्रांग, तुमको कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो कितनी स्ट्रांग है, बट तुम किसी भी दूसरी लड़की या फिर किसी भी लेडी पे कोई भी कमेंट करके अपने ही घर में आकर के नहीं ऑब्जर्व करते हो अपने फैमिली में अपनी बहन अपनी मम्मी को। एट लास्ट, ये सब चीज़ें सिर्फ लड़के नहीं करते हैं लड़कियों के साथ, ये चीज़ बिल्कुल मत समझना। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो खुद लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट करती हैं, लड़कियों को ही नीचा दिखाती हैं। ये वीडियो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना था कि सिर्फ लड़कों को मैं टारगेट कर रहा हूँ कि लड़कियों के साथ ऐसा ना करूँ, ना, लड़कियाँ और लड़के दोनों
जो गलत माइंडसेट के लोग हैं वो ये काम करते हैं कि लड़कियों को नीचा दिखाते हैं। अगर मैं उसी लड़की की बात करूं जो यूपी में टॉप करी, तो उसमें कितने कमेंट लड़कियों के तुम्हें मिलेंगे उसी वीडियो पे। ये बहुत सैड बात है, ठीक है। जाते जाते एक और चीज़ बताता चलूं कि मतलब लड़कियों को सपोर्ट करो। अगर कोई लड़की ऑनलाइन कुछ करने की कोशिश कर रही है, कोई सिंगिंग कर रही है, कोई कुकिंग कर रही है, कुछ भी कर रही है, तुम्हारे सामने कोई वीडियो आ रही है, भाई सपोर्ट कर दो, क्रिटिसाइज मत करो, ठीक है। एक पॉजिटिव वाइब को स्प्रेड करो। कितने लोगों को यही नहीं पता है कि हमारे इंडिया की प्रेसिडेंट ही एक लेडी है, ठीक है। तो रिस्पेक्ट करो एवरी सिंगल जेंडर की। बहुत सारे लोग हैं लड़कों की ही कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। बहुत जल्दी इसके ऊपर भी वीडियो आएगा, लड़कों के भी बहुत सारे राइट्स हैं, इसके ऊपर भी वीडियो आएगा। एंड इस चैनल का सिर्फ एक मकसद है कि आपकी मेंटालिटी को चेंज करना, ठीक है, आपको मेंटली स्ट्रांग बनाना। क्यों? क्योंकि जब आप चेंज होगे तभी इस सोसाइटी में कोई चेंज आएगा। जब आप और मैं अपने अंदर कोई चेंज लेकर के आएंगे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में आकर के लिखो कि लास्ट तक देख रहे हो, बहुत खुशी होती है। एंड इस वीडियो से क्या सीखा, एक अच्छा सा बड़ा कमेंट लिख करके बताओ। मैं खुद पर्सनली कमेंट पढ़ूंगा कि क्या सीखने को मिला इस वीडियो से, ठीक है, सो दैट मेरी टीम और मैं बैठ करके उसको समझें कि आपके क्या थॉट्स हैं इस पूरी वीडियो के ऊपर। एंड मैं हर वीडियो को नहीं बोलता हूँ शेयर करो, पर इस वीडियो को बोलूँगा इसको दबा के शेयर करो, भर भर के व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करो, हर जगह शेयर करो यार। अवेयरनेस फैलाओ थोड़ा, ठीक है, थोड़ा क्यों, पूरा फैलाओ, ठीक है, इसको शेयर करो। एंड अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, ठीक है, कोई वीडियो मिस नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्या उनको अलग ऑब्सेशन है, ठीक है, वो देखना पसंद करते, देख के भाग जाते हैं। ऐसा मत करो, ठीक है, वीडियो देखो, सब्सक्राइब भी कर लो भाई, फ्री में होता है, ठीक है। बट ये वीडियो को बनाने में बहुत सारा एफर्ट लगता है, टाइम लगता है। अभी रात के बज रहे हैं, 4:10 बाकी हैं बट वीडियो शूट हो रही है, ठीक है, तो ये एफर्ट्स होते हैं हमारे टीम के, फैजान भाई के, देखो शूट कर रहे हैं, मतलब ऐसे होता है, तो मतलब बहुत कुछ होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आके DM कर सकते हो, @myenergy मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है। एंड बस मिलेंगे अगली वीडियो में। आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच। खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ में, थैंक यू।